न ध्यान इस अर्थ को श्री रितेश्वर जी महाराज ने गुलशन मुनियार मित्र परिवार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में समझाया। बीते 5 दिनों से आयोजित इस कार्यक्रम का बुधवार को समापन था, जिस दौरान वहां उपस्थित लोगों ने इस संदर्भ में अधिक जानकारी साझा की। हर व्यक्ति की सफलता के पीछे गुरु का हाथ होता है। गुरु को भगवान से भी बढ़कर माना जाता है। गुरु को उजाले का दीप माना जाता है। गुरु के बिना व्यक्ति का जीवन अधूरा है। गुरु के सहयोग से ही हर व्यक्ति सफल बनता है। गुरु का यही महत्व परम पूज्य श्री रितेश्वर जी महाराज ने गुलशन मुनियार मित्र परिवार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बताया। बीते 5 दिनों से आयोजित इस कार्यक्रम में गुरु के महत्व के बारे में बताया गया। साथ ही बताया कि गुरु हमें शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान तथा अनुशासित विद्यार्थी बनाते हैं। ये गुरु गीता पे प्रवचन 31 दिसंबर से 5 जनवरी गुरुदेव का प्राकट्य महोत्सव यानी जन्मदिन प्राकट्य महोत्सव के उपलक्ष्य में यह गुरु गीता का प्रवचन रखा गया और गुरुदेव का आज 5 तारीख को जन्मदिवस भी है। प्राकट्य महोत्सव उसी उपलक्ष्य में रखा गया। गुरु गीता पे गुरुदेव रोज बोल रहे हैं, रोज 3 से 6 पे प्रवचन कर रहे हैं और उनका ऐसा बोलना है कि गुरु और शिष्य आज के समाज में लोग हर मंदिर हर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं लेकिन किसी को कुछ समझना हो पूछना हो उसके लिए गुरु की बहुत सख्त ज़रूरत है। गुरु ही ज्ञान दे सकता है, गुरु ही बता सकता है कि तुमको क्या करना है, कैसा करना है और किस तरीके से करना है। तो गुरुदेव का ये प्राकट्य महोत्सव आज 31 से 5 तारीख आज समापन है उसका। गुरुदेव श्री आनंदम धाम वृंदावन मथुरा से उनका आश्रम जो है वृंदावन लाडली वन वहाँ आश्रम है। गुरुदेव का ये जो नियोजन हुआ है, उन्होंने जो कृपा की है नागपुर पे, वो सभी भाग्यशाली को इसका लाभ लेना चाहिए और उनको सुनना चाहिए। और वो उनके जो प्रवचन है, जो गुरु गीता पे प्रवचन कर रहे हैं, आज उसका आखिरी दिन है, समापन है, उसका लाभ मीडिया के जरिए सभी को मिलना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। मेरा नाम गुलशन मुनियार, ये आयोजन गुलशन मुनियार मित्र परिवार ने कराया। नाम बताइए। सबसे पहले जय गुरुदेव की जय। हमारे गुरु महाराज रितेश्वर जी महाराज, इनका आगमन नागपुर में 31 तारीख को हुआ, भव्य शोभा यात्रा निकली और 31 तारीख से आज दिनांक 5 तारीख तक में ये प्रकट महोत्सव और ये सत्संग का प्रोग्राम चल रहा था। ये गुरु के ऊपर में जो महाराज जी ने बोले, सही में गुरु परमात्मा परेशु यानी गुरु से बढ़ के कोई नहीं, ये सच्चाई है। और इसका पूरा महत्व 5 दिन में हमारे गुरु महाराज ने रितेश्वर जी महाराज ने 5 दिन में उसी के ऊपर में जो बताए, तो मैं नागपुर की जनता से सबसे विनंती करता हूँ कि आज का आखिरी दिन है और गुरु महाराज के दर्शन या गुरु महाराज के वाणी से, जो गुरु महाराज के वाणी है, जो उनके सत्संग है, उनसे थोड़ा उनके बारे में सुने, ऐसे मैं नागपुर के जनता को जय गुरुदेव जय गोविंद। नागपुर यह बड़ी पतित पावन भूमि है। यहाँ पर भारतवर्ष के अनेक संत आए, उसमें एक आज उस पुष्पमाला में एक नया नाम परम पूज्य गुरुदेव श्री रितेश्वर दास जी का जुड़ गया। गुरु के बिना ज्ञान नहीं और गुरु ही गोविंद है, यह उन्होंने समझाया। सभी ने इस सत्संग का लाभ लेना चाहिए और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इतना कहते हुए गुरु के चरणों में नमन करता हूँ। जय जय श्री गुरुदेव। मनुष्य के लिए भगवान से भी बढ़कर गुरु को माना जाता है, क्योंकि भगवान हमें जीवन प्रदान करते हैं और गुरु हमें शिक्षा देकर इस जीवन को सही ढंग से जीना सिखाते हैं। जो गुरु का मार्गदर्शन करके चलता है, उसे जीवन में कभी ठोकरी नहीं खानी पड़ती। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, PCN न्यूज़ नागपुर।